बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोज न्यूज, मैं हूं शुमाइला न्यास। यहां वक्त हुआ है हेडलाइंस का। एधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एधी का कोरोना टेस्ट दोबारा मस्बत आ गया। फैसल एधी का दूसरा टेस्ट 27 अप्रैल को हुआ था। फैसल एधी का पहला टेस्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। चौदह हजार 885 शहरी मुतासर, पंजाब में 5827, सिंध में 5291 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 2160, बलूचिस्तान में 915 केसेस, मुल्क भर में अब तक 3425 मरीज सेहतयाब। कोरोना वायरस पर काबू पाने का चैलेंज, मुश्किल की घड़ी में पाक फौज पूरी कौम के शाना बशाना। मुल्क भर में फौजी दस्तों का सिविल इंतजामिया से भरपूर तापुर, मुतासरा इलाकों में इमदादी पैकेजेस की तकसीम, खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल। यकम मई से पेट्रोलियम उत्पाद सस्ती करने की खुशखबरी, मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं पेट्रोल और डीजल कम होने से महंगाई भी कम होगी। अगला बजट दोनों बजट होगा। अमेरिका में एक और क्यामत खेज दिन, कोरोना वायरस से मजीद 2470 हलाकतें, अब तक 59266 अमवात, 10,35,000 शहरी मुतासर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी, मरने वालों की तादाद 2,18,010 हो गई। बरतानिया में मजीद 586, इटली में 382, फ्रांस में 367 हलाकतें, स्पेन में 301, भारत में मजीद 69, ईरान में 71 और खुद एतमादी के साथ बेखौफ होना जरूरी है। करियर के मुश्किल वक्त में भी खदशात को पसे पुश डालकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी मिलती है। उन्होंने बताया है कि कभी किसी खास कारकर्दगी पर मुतमईन नहीं होता था। एक अच्छा खिलाड़ी हर नए दिन के लिए नई हिकमत अमली तैयार करता है। वसीम अकरम ने कहा है कि टेस्ट मैचेस ही असल क्रिकेट है, अजीम खिलाड़ी बनने के लिए तवील फॉर्मेट में कामयाबी हासिल करना जरूरी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा है कि मैं करियर के दौरान अपने अहदाफ तरतीब देता हूँ, सबसे बड़ा मकसद यही था कि क्रिकेट छोड़ने के बाद याद रखा जाए। फिल्मों में काम किया है। विर्चुअल मैड्रिड ओपन में एडी मरे ने एक और फतेह समेट ली है। नंबर वन टेनिस स्टार नीदरलैंड और कनाडा के खिलाड़ियों ने भी कामयाबी सुनाई है। लॉकडाउन में टेनिस का बड़ा मुकाबला सुपरस्टार मैट्रा ड्रॉपन ने इन एक्शन होते हुए बरतानवी खिलाड़ी एंड्री मरे ने खूब महारत दिखाई है और फतूहत का सिलसिला जारी रहा। बरतानवी टेनिस स्टार ने नंबर वन राफेल नडाल को स्टेट सेटस में शिकस्त दे दी है और तीन सपा की हार से मिस की तजावीज अहम। सैयद फखर इमाम ने कहा है कि पार्लिमानी रहनुमाओं की राय लेने के लिए इनको मदु किया गया है और पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास फखर इमाम की जेर सदारत हो रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि दूर से आने वाले अरकीन असेंबली के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल होंगे, पार्लियामेंट के जरिए निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है, अरकीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए असेंबली इजलास बुलाया जाए। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा है कि स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अरकीन असेंबली अमले की सेहत का तहफ्फुज़ करें। तमाम जमातों का इत्तफाक है कि वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए। अपडेट कर रहे हैं कि कौमी असेंबली इजलास बुलाने और इसके तरीकाकार पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फहमीदा मिर्जा, अली मोहम्मद खान, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और दीगर शामिल हुए। सैयद फखर इमाम ने कहा है कि पार्लिमानी रहनुमाओं की तजवीज बहुत अहम है। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें कि बदयानत और नाअहल सिविल सर्वेंट से सरकारी इदारों को पाक करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। करप्शन में मुलव्वस और नालायक अफसरान को कबल अज वक्त रिटायर करने के लिए रूल्स जारी कर दिए गए हैं। दस्तावेजात में कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए हैं। सिविल सर्वेंट रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इसके साथ साथ वजीर आजम ने सिविल सर्वेंट रिटायरमेंट रूल्स 2020 की भी मंजूरी दे दी है। दस्तावेज में कहा गया है कि रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट को बराहे रास्त रिटायर किया जा सकेगा।
इतलाक इन अफसरों पर भी होगा जिन पर करप्शन का इल्जाम साबित हुआ है। रूल्स का इतलाक नैब या किसी इदारे से प्री बार्गेन करने वालों पर नहीं होगा। रूल्स के तहत रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड ग्रेड 20 और 12 बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी को भिजवाएगा। इसके साथ साथ सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी यानी वजीर आजम को भेजी जाएंगी। दस्तावेजात में मजीद कहा गया है कि वजीर आजम ग्रेड 22 के अफसर को जाती सुनवाई के लिए नामजद करेंगे। कबल अज वक्त रिटायर्ड अफसरान पेंशन और मरात के हकदार होंगे। मुतासर अफसरों को अपील का हक भी दिया जाएगा। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद क्या तफसीलात हैं? करियर के मुश्किल वक्त में भी खदशात को पसे पुष्ट डालकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी मिलती है। उन्होंने बताया है कि कभी किसी खास कारकर्दगी पर मुतमिन नहीं होता था। एक अच्छा खिलाड़ी हर नए दिन के लिए नई हिकमत अमली तैयार करता है। वसीम अकरम जारी रहा। बरतानवी टेनिस स्टार ने नंबर 1 राफेल नडाल को स्टेट सेटस में शिकस्त दे दी है और 3 सफर की हार से मिस। जो करप्शन हो रही है उससे तमाम ही अदारों को पाक किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने मजीद जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानब से कुछ ऐसे इदारे थे कामयाबी समेत थे। लॉकडाउन में टेनिस का बड़ा मुकाबला सुपरस्टार सहिदा की क्रिकेट छोड़ने के बाद याद रखा जाए। अनवार अब्बासी से हमारा राब्ता जो है वो मुनकिता हो गया है, फिर से बहाल करेंगे अगर हुआ तो। आपको अपडेट कर रहे हैं कि विर्चुअल मैड्रिड ओपन में एडी मरे ने एक और फतेह समेट ली है। नंबर 1 बददियानत और नाअहल सिविल सर्वेंट से सरकारी इदारों को पाक करने का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। करप्शन में मुलव्वस नालायक अफसरान को कबल अज वक्त रिटायर करने के लिए रूल्स भी जारी कर दिए गए हैं। दस्तावेजात में कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इमाम काबा ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द खोलने की नवीद सुनाती है। जल्द ही कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। इमाम काबा का कहना है कि हरम शरीफ में तवाफ और नमाजें जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगी। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी में दोबारा दुनिया भर के मुसलमानों का हजूम होगा। इमाम काबा शेख अब्दुलरहमान अल सदस ने तवक्को जाहिर की है कि जल्द ही सऊदी अरब से कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा और दोनों मुकद्दस मुकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाजों की अदायगी की इजाजत होगी। इमाम काबा ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द खोलने की नवीद सुनाती है। जल्द ही कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। इमाम काबा कहते हैं कि हरम शरीफ में तवाइफ और नमाजें जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हरम शरीफ में तवाफ और नमाजें जल्द दोबारा शुरू की जाएंगी। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी में दोबारा दुनिया भर के मुसलमानों का हजूम होगा। इसके साथ ही रोज न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप सिर्फ विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट roznews.com.pk और देखते रहिए रोज न्यूज। रोज न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताजा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।